साथियों, सबसे पहले मैं बात बताना चाहता हूँ कि जितेंद्र गौतम मेरा नाम है जी। और मैं साकेत कोर्ट से हूँ। आज करकटोमा में मीटिंग थी हमारे समाज की, तो मैं इधर आया हुआ हूँ और अपने समाज से हाथ जोड़कर निवेदन करता हूँ कि मुझे वोट करें, सपोर्ट करें और विजयी करें। अब मैं सर बताना चाहूँगा कि मैं जो हूँ 2007 से अनवरत रूप से अपने महापुरुषों को सम्मान देने के लिए कोर्ट टू कोर्ट भ्रमण कर रहा हूँ, कार्यक्रमों का आयोजन कर रहा हूँ और मैंने कई सामाजिक आंदोलनों में काम किया है और मैंने कई मूवमेंट भी लड़े हैं। अभी जींद में कांड हुआ था, कृष्णा एक लेडीज थी उसके साथ रेप कांड हुआ था, तो मैंने पूरा वहाँ आंदोलन किया और उसको न्याय दिलाया। ऐसे ही मैंने बहुत सारे जो हैं आंदोलनों में काम किया है साथियों। अब ये BCD का जो मुद्दा है वो बहुत ही गर्म है। इसको मैंने देखा, मैंने एनालाइज करा है कि जब से ये बार काउंसिल दिल्ली बनी है तब से हमारे समाज का कोई भी व्यक्ति जो है जीत कर नहीं पहुंचा है। बार काउंसिल दिल्ली में हमारे महापुरुषों को सम्मान नहीं मिला है। 6,500 वोट है हमारा यहाँ लगभग दिल्ली में सूल कास्ट की कम्युनिटी का। तो अगर हम सारे यूनाइट हो जाएं, इकट्ठे हो जाएं और अपने ही समाज के लोगों को अगर वोट करें, अपने समाज के कैंडिडेट के लोगों को वोट करें, तो हम इस बार अपने महापुरुषों को सम्मान दे सकते हैं बार काउंसिल दिल्ली में। सर, क्या अपील करना चाहते हैं एडवोकेट से जो आपको वोट देना चाहेंगे? सर, मैं अपील ये करना चाहता हूँ कि अपने महापुरुषों को सम्मान के लिए, अपने अधिवक्ता समाज के सम्मान के लिए अपने ही कैंडिडेट्स को वोट करें प्लीज़। आप तो जितेंद्र जी, वो शॉर्ट में बताया है कि मैंने जो काम किए हैं वो समाज के सामने है और महापुरुषों के नाम को आगे बढ़ाने के लिए, महापुरुष के सम्मान देने के लिए मैं तत्पर तैयार हूँ और हमेशा अगर BCD के अंदर जाऊँगा तो और बढ़ चढ़ कर काम लूँगा। कैमरामैन गौतम के साथ मनोज पिप्पल, दिल्ली से।